प्रिय छात्र छात्रीगण मु सुरेन्द्र कुमार पटेल उज्जवलपुर बालिका उच्च विद्यालय विज्ञान शिक्षक स्वागत करुछि सुंदरगढ़ वर्चुअल क्लास को। आगरो न्यूटन को तीनोटी नियम पढ़ाई सरी मोशन लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ एवं थर्ड लॉ। आमें जदि देखिबा पृथ्वी पृष्ठ रे अवस्थान करके किछि उच्चतारु गोटे वस्तु को फिंगी पकाइले बा फिंगी देले ता किसी समय पर तल को आसी जाए आसी थाए केन्द्र आड़ को निम्नमुखी होइथाए। सूर्य चारिपटे ग्रह गुड़िक अहर घूर्णन करुछंती एवं पृथ्वी चारिपटे चंद्र अहर घूर्णन करुछि। एही बीटी तीनोटी उदाहरण पई आमे देखिबा जे निश्चित भाव रे किछि ना किछि बाह्य बल उपर को उपर तल को आसीबा वस्तु सूर्य चारिपटे ग्रह एवं नक्षत्र माने परिक्रमण करिबा एवं आमर पृथ्वी चारिपटे चंद्र परिक्रमण करिबा निश्चित भाव रे किछि ना किछि गुडे बाह्य बल क्रिया करुछि। एही बाह्य बल टी कोन से विषय रे आज आमे अध्ययन करिबा एवं एही बाह्य बल आमर पृथ्वी रो सर्वत्र जगह रे माने महाकाश रो सर्वत्र जगह रे विद्यमान विश्वर जेकोसी दुईटी वस्तु मध्य बल कार्य करें। पाने आज आम पढ़ाक जावा न्यूटन को चतुर्थ नियम जोटा को यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्राविटी कहा जाए सॉर्ट फॉर्म रे कहा जाए यूएलबी आमर ओडिया रे कहा जाए सर्वजनीन माध्याकर्षण नियम। चलो ताहले आम स्मार्ट बोर्ड पाखक जावा आमर जो आलोच्य विषय अच्छी अध्ययन करवा आज आम आज आलोचन कौन कौन पढ़ा से विषय टी आम देखा प्रथम पढ़िया बल कौन से बलर गाणितिक संज्ञा बलर एकक महाकर्षण सर्वजनीन नियमता सर्वजनीन महाकर्षण नियम प्रतिपादन एवं महाकर्षण नियम सम्बन्धी केतेक एग्जांपल जोटा कि आमर डीओ सार एवं कलेक्टर सार मध्य कहते कि आमर फिजिक्स चैप्टर में किसी ना किसी एग्जाम्पल निश्चित भाव में करवा एवं से एग्जाम्पल विषय में आम आज आलोचना करपर आम महाकर्षण बल सम्बन्धी केतेक क्वेश्चन अच्छी से क्वेश्चन गुड़िक मध्य आलोचना करवा। तो पाने आम देख आम आगर जाणी कि बल कौन निश्चित भाव में आम बल विषय जापर आगर तो पढ़ाई बल कौन जो द्वारा जो बाह्य कारक द्वारा वस्तु बल ही वस्तुर गतिर कारण अटे बल ही वस्तुर गतिर कारण अटे एवं बल गोटे बाह्य कारक जो कारक साहय वस्तु गतिशील होता है स्थिर वस्तु गतिशील होता है गतिशील वस्तु स्थिर होता है बल गोटे वस्तुर बेग पर साय कै मान स्पीड को कंट्रोल कराज्य कै जदि कम स्पीड रे थिवो बल अधिक प्रयोग कले अधिक स्पीड रे जीवो एवं वस्तु आकार मध्य परिवर्तन करते वस्तु आकार मध्य परिवर्तन करते जेमिति कि आमे अटा चिकड़ी अटा फुटी लागले बा ताकु बल गोटे रुटी तैयारी कला बेले आम विभिन्न शेप रुटी तैयार करथन ए बल प्रयोग करके ताले आमे जानि पारले जे बल गोटे वस्तुर कारण बाह्य कारक जहाँ द्वारा कि वस्तुटी गतिशील होइथे एवं बल बेगर परिवर्तन साहय करते बेगर परिवर्तन साहय करे एवं बल वस्तुर आकार मध्य परिवर्तन करते तार आकार मध्य परिवर्तन करते यही विषय आम जानी पड़ा तारपर आम देखा आमर यही बल विषय बहुत गोटे वैज्ञानिक मान महाकर्षण नियम आम बल रनो नियम विषय पढ़ी देसु प्रथम नियम सेकेंड नियम एवं थर्ड नियम सब प्रथम नियमटा केवल बलर डेफिनेशन टा प्रदान कर बाह्य बल साहय स्थिर वस्तु गतिशील होता है गतिशील वस्तु स्थिर होता है जो बाह्य कारक साहय तार न्यूटन को सेकेंड नियम टा प्रतिपादन कला एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए माने बलर डेफिनेशन टा से प्रदान कला तार न्यूटन को थर्ड नियम अनुसार आमर प्रदान कला कौन कि एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रत्येक क्रियार प्रत्येक समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया रही थे यह नियम विषय जिते बिल्कुल आम आज देखा कि महाकर्षण नियम 1965 मसीह न्यूटन
जो विश्वविद्यालय पढ़ु थी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय प्लेग रोग होता एवं प्लेग रोग होगा समय से घर को आसी षोलश पैंसठ मसीह प्लेग रोग चली थे। प्लेग रोग जमीती आम 2019 मसीह 2020 मसीह जेपरिक चली कोरोना महामारी से ही समय प्लेग महामारी रूप धारण कर सब स्कूल कलेज गुड़िक बंद हो जाता से आसिक देखिले ये थे गवेषणा करते गोटे बहुत आमर फिजिक्स मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स कह फादर ऑफ फिजिक्स से जिते से गोटे सब्जेक्ट विषय अध्ययन करुले से अध्ययन कर समय से गोटे बाड़ी बाड़ी में गोटे एपल गसला एपल मुंडे पड़ेगा एवं से न्यूटन को आमर जो चतुर्थ नियम बा यूनिवर्सल ग्राविटी लॉ टाक लिखी थे कि प्रकृति में ये कथा के सत्य आम बहुत से लिखा अच्छी आम के दूर सत्य से विषय जानवा कष्टर अटे यही विषय अध्ययन करने आमर जो अच्छी आमर महाकर्षण नियम विषय अध्ययन करने को वैज्ञानिक मान जीवन चली जाए 200-300 वर्ष गवेषणार फलस्वरूप अटेटा प्रथम गालिलियो कहले सूर्य स्थिर एवं पृथ्वी चार चारिपटे गति करपरिक आगर पूर्वर धारणा थी पृथ्वी स्थिर एवं तार चारिपटे सूर्य गति करपर आसिले टाइकोब्राहे टाइकोब्राहे से मैंने विभिन्न नक्षत्र सूर्य एवं विषय से गवेषणा आरंभ करते केपलर आसिले वैज्ञानिक केपलर जहाँ जन्म तारीख है 1571 1630 मसीह से जन्मग्रहण करपलर मध्य तीनो नियम प्रतिपादन करते तार सब नियम बाहर लास्ट किंतु एमती गुड़े कथा घटला जहाँकि आम सार आइजाक न्यूटन नाम नामित है जोटा कि आम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाऊँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूएलबी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन माने यूएलबी रो फुल फॉर्म है सर्वजनीन महाकर्षण नियम एवं यही नियम टी कौन तार आम तार विषय टी अध्ययन करवा देखा महाकर्षण बल कौन आम ये पेनटा देखुचु आम मैंने मो हाथ पेन टी धरी एवं यही पेनटा मध्य कौन कर पेन टे मत आकर्षण करुच्छा आकर्षण करश्वर जहाँ कि जिनस अच्छी समस्ते समस्त को आकर्षण कर पृथ्वी चंद्र को आकर्षण पृथ्वी सूर्य को मध्य आकर्षण कर सूर्य पृथ्वी को मध्य आकर्षण कर मत शनि ग्रह आकर्षण कर शनि शनि को शनि ग्रह को मध्य आकर्षण कर प्रत्येक जिनस जेकोसी जिनस हो प्रत्येक निज निज को आकर्षित होता आम देखा गोटे वस्तु को किसी उच्चतार छाड़ीदे यह पृथ्वी आड़ को आकर्षित हो प्रथम विषय मुझे पृथ्वी आड़ को आकर्षित होगी आकर्षण बल ही बल को महाकर्षण बल कह जो आकर्षण बल ताको पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को निज आड़ को आकर्षित करकर्षण बल को कौन कह जाए महाकर्षण बल नेक्स्ट आम देखा महाकर्षण बल विषय पृथ्वीर प्रत्येक वस्तु निज निज आड़ को महाकर्षण बल द्वारा बा पृथ्वी आड़ को आकर्षित होता जितक वस्तु अच्छी विश्व जहाँ कि वस्तु अच्छी गोटे वस्तु ए मनकर गोटे वस्तुर ना है ए आ गोटे वस्तुर ना है मनकर बी ए वस्तु बी को आकर्षण करुच्छी बोले बी वस्तु ए को आकर्षण करें मैं ए वस्तु बी को आकर्षण करुच्ची वस्तु ए को आकर्षण कर तारपर आम महाकर्षण बल जो सूर्य चारिपटे आम जो महाकाशीय वस्तु गुड़ाक अच्छी से वस्तु गुड़ाक परिक्रमण करुँचा ग्रह उपग्रह गुड़िक निर्दिष्ट कक्ष पथे परिक्रमण करते पाने आम देखा कि चंद्र ने यही बल अच्छी कि ना चंद्र ने यही आकर्षण बल क्रिया करपरिक आम साइंटिस्ट मैंने चंद्र महाकाश चंद्रपृष्ठ से आम प्रज्ञान बोल कि गोटे उपग्रह टे पठे से उपग्रहटा चंद्र द्वारा आकर्षित हो कि डैमेज होता है जहाँफल कि से किसी बार्ता पठे पारि ना एथु प्रमाणित हो चंद्र एक आकर्षण बल क्रिया कर आकर्षण बलटा समस्त जेकोसी वस्तु आम पृथ्वी पृष्ठ से जो वस्तु था कि आम महाकाश जो वस्तु था परस्पर परस्पर को परस्पर सहित आकर्षण करुँचु यही गोटे कथा आमको मार्क करने को पड़ो जोटा कि पृथ्वीर
पृथ्वी तार वस्तु मान को निजर केन्द्र आड़ को आकर्षण करते इटाक वैज्ञानिक मान गोटे नूतन नाम नामित करते से ही नाम माध्याकर्षण बल और माध्याकर्षण बल को स्मल जी संकेत सूचित कराई तापर आम देखा बलर गाणितिक संज्ञा आम न्यूटन को आम द्वितीय निम अनुसार आम जानस बल एफ इज इक्वल टू एम इंटु ए मास इंटु एक्सिलेरेसन एक्सिलेरेसन कौन v माइनस यू बाय टी इज इक्वल टू एक्सिलेरेसन v माइनस यू बाय अंतिम परिवेग माइनस प्रारंभिक परिवेग वेगर परिवर्तन हार को त्वरण कहा जाए ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी न्यूटन कहते कि आम आम निजे देख गोटे कम मस रही आम कम बल प्रयोग करतिशील करपरी जिते बल प्रयोग करवा त्वरण से वृद्धि हे जी बल प्रयोग करवा त्वरण से अनुपात वृद्धि पाई थे जपरिक एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम तार अर्थ है मास बढ़ले फोर्स बढ़ फोर्स बढ़ले मास बढ़ी थे मसटा ना मानने कम मस कम बल प्रयोग करवा एवं खूब मास रे आम खूब बल प्रयोग करने को पड़ी थे माने मास बढ़ले तार अर्थ मास बढ़ले आमक अधिक बल प्रयोग कर मास जब इनक्रीज कर फोर्स इनक्रीज कर तार पर आसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सिलेरेसन एक्सिलेरेसन कहले कौन आम जब कम स्पीड रे साइकिल चलेबा ताले तार स्पीड कम बेगर जीव एवं जदि स्पीड को अधिक करदे ताले तार स्पीड अधिक हो जाए एथिरु आम जापरल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इक्वेशन फर्स्ट आउ इक्वेशन सेकेंड अनुसार जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड अनुसार दुईटा इक्वेशन को जब आम जोड़ीदे ताले कौन है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटु ए एवं प्रोपोर्शनल चिन्ह को उड़ेबापी आम कौन कराए प्रोपोर्शनल चिन्ह को जदि आम यहाँ को हटेबा ताहले इतार जगह गोटे कन्स्टांट इंटु करटांट है K into M into A, where K is आनुपातिक स्थिरांक कहा जाए के को कौन कहुई थे आनुपातिक स्थिरांक कहा जाए थे जपरिक आम चित्र देखा कि जो गोटे बैट्समैन अच्छी क्रिकेट खेलु तमें से एप्लाय फोर्स करप्लायर फोर्स एवं मास आसला मास बल क्रिकेट बल रसटा और जितकी से फोर्स देव से बलटा मैं सही परिमाण में गति करते अधिक परिमाण फोर्स दे निश्चित भाव में बल्टी छ आम देखीछ क्रिकेट देखा समय ये सब कथा गुड़िक जाणी तारपर आसला आम देख बलर एकक निरूपण करवा दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट आम किपर भाव में फिजिक्स एकक गुड़िक निरूपण करवा से विषय आम देखा देखा कि आम जदि बलर वस्तुत्व इज इक्वल टू वन के जी वन के इंटु जी वन के जी है मास मीटर वन के जी एवं एम इज इक्वल टू वन के जी एवं ए इज इक्वल टू ये एम एम लिखाई रियली कौन ए इज इक्वल टू वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हेले एफ इज इक्वल टू आम जब इतने पुट कर एफ इज इक्वल टू एम इंटु ए के जी इंटु मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ताहले वन एटा को बलर जेहेतु सार आइजाक न्यूटन बल को विषय अध्ययन करते बल विषय जापारी थे तेणु जो बलर डेफिनेशन प्रदान करामित जो एककटीटा को एन संकेत सूचित कराई अतए वन न्यूटन इज इक्वल टू वन के जी इंटु वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माने जदि आम एक के जी वस्तु को एपरी भाव बलटे प्रयोग करवा जहाँकि एक मीटर पर्यंत गति कले आम जापर जे से एक न्यूटन बल आम प्रयोग कराइला यहाँ है बलर एकक जेकोसी जगार तुम फिजिक्स जदि तुम एकक निरूपण करवा अच्छी तुमको निश्चित भाव में सब यूनिट गुड़ाक विषय जानवाक पड़ो ये यूनिट गुड़ाक जदि न जाणिले आम फिजिक्स एकक गुड़िक निरूपण करवा कष्टर हो एवं जेपड़ कि एम एम फर मास मास कहले कौन बुझ मास कहले गोटे वस्तु केते ओजन जिनिस अच्छे जेना कि आम मो शरीर में केते ओजन मांस अच्छे मास कह मास मास एकक आम के माप करश्चित भाव में आम के जी माप कर तार एकक है के जी एवं एक्सिलेरेसन एक्सिलेरेसन है भि माइनस यू बाय टी हेल्ले भि माइनस यू बाय टी अर्थ भि माइनस यू बाय टी भि रहा मीटर भि माइनस यू निश्चित भाव में किसी ना गोटे अंकटे बाहर ना
सेटा है मन कर मीटर आईटा है सेकेंड इटा सेकेंड इंटु सेकेंड हे तर समय अनुसार परिवर्तन हार को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखा न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम प्राय बहुत सहज, न्यूटन का तृतीय नियम टा बहुत सहज किंतु इतार व्याख्याटा वैज्ञानिक मैंने एपरी भाव बुझिले जार फल कि मिसाइल तैयार करदे कि आम मैंने कौन कर प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया एक सामान और विपरीत प्रतिक्रिया बल रही आम एति खाली ओनली बुझीछू। फर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दिस लाइन आर यू अंडरस्टैंड बट इटा किपर भाव में एप्लाय कर कौन कौन जिन तैयार हो पार से वैज्ञानिक मान मुंडे चिंता है से मैंने मिसाइल बनइले आमर जी आम मिसाइल मैन अफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये यही नियम उपर प्रयोग करी मिसाइल तैयार कर बड़ जो अच्छी मनकर लेट्स टू बडीज ए एंड बी एटा गोटे बडी है ए आईटा है गोटे बडी है यही बडी मनकर आघात कला बी बडी को हेले बी बडी फोर्स वन टू लेखा अच्छे तार अर्थ फोर्स वन ड्यू टू सेकेंड फोर्स वन टू अर्थ आम पढ़ा हम फोर्स वन ड्यू टू सेकेंड मैंने दुई नंबर वस्तु द्वारा प्रथम वस्तु जो बड़ पड़ा ताको फोर्स वन टू कह जाए माइनस एफ टू वन अर्थात प्रथम वस्तु द्वारा द्वितीय वस्तु जो बड़ पड़ा ताको फोर्स टू वन कह जाए सामान विपरीत प्रतिक्रिया ये नेगेटिव चिन्हटा अच्छी से सूचित करुच्ची कि यहाँ है नेगेटिव चिन्हार अर्थ है सूचित करुच्ची कि विपरीत बल अटे बल एक सदृश राशि अटे राशि दुई प्रकार थाएं से राशि कौन कहुई थाए अदिश राशि एवं सदृश राशि कहुई थाए अदिश राशि ओनली मैग्नीट्यूड थाए मान परिमाणटा थाए कि सदृश राशि कौन थाए उभय दिग एवं परिमाण संयुक्त हो रही थाए उभय दिग एवं परिमाण संयुक्त रही थाए। अच्छा पिलाने तुम्हें निश्चित भाव जान गोटे बड़ यहाँ गोटे वस्तुटे यहाँ फुटबलटे मन कर जो बर्तमान तो ये चली फुटबल वर्ल्ड कप से विषय तुम्हें निश्चित भाव देखु बोधे एवं से ही बलटा जो दिगरे गोटे फुटबल खिलाड़ीटे प्रयोग कला से दिगरे वस्तुटा गति कर बलटा गति करें से बल एक सदृश राशि अटे कारण ए दिग एवं तार परिमाण संयुक्त हो रही थाए। नेक्स्ट आम देखा कि महाकर्षण बल आम ए पढ़ा महाकर्षण बल न्यूटन का यहाँ था प्रथम द्वितीय एवं तृतीय नियम सर तार महाकर्षण नियम विषय आम बर्तमान अध्ययन कर। अच्छा पिलाने तुम्हें कहल आम चारिपटे जो वायुमंडल अच्छी से ही वायुमंडलटा कहार बल जो मुझे आकर्षण करुच्ची पृथ्वीर चारिपटे जो वायुमंडल अच्छी जदि महाकाशचारी मैंने कहते कि जदि महाकाश को जीवा एवं महाकाश उपरू जदि पाटे ढाली दवा पाटा उपर उपर रही जाए तल को आसी न थे कारण से जो बल गुड़िक कार्य कर बहुत ये महाकर्षण बलटा बहुत अल्प बहुत गोटे क्षुद्र बल सदृश अटे किंतु आमर महाकर्षण बल पृथ्वीर चारिपटे जो वायुमंडल को धरी रखे महाकर्षण बल कार्य कर एक नंबर पर जदि महाकर्षण बल न था वायुमंडल आई न था तारपर आसला वर्षा जल पृथ्वी आड़ को पड़े साय जो वर्षा जल गुड़िक पृथ्वी पृष्ठ को तल को आसूसी ताकि पड़े साय कर। नेक्स्ट आम देखा नदी जल तल उपर को प्रवाहित होते यू केमिस्ट्री वाला मैंने कहते कि प्रवाह गुण जो यह तल को उपर को उपर तल को प्रवाहित होता है बट दिस इज नॉट ए करेक्ट रीजन दि करेक्ट रीजन इज जो ग्राविटेशनल फोर्स व्वाटर नदी जल गुड़िक तल को प्रवाहित होता है तारपर आम यही बल जो पृथ्वी पृष्ठ में आम अवस्थान करुच्छू जदि पृथ्वी पृष्ठ में जब यही बल न था आम तौल को पड़ जाता बुझीगलाना यही बल जो पृथ्वी पृष्ठ में आम अवस्थान करुँ दिस इज ए भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ए पॉइंट गुड़ाक प्राय परीक्षा आसी थाए तेणु फिजिक्स लिखला बेले कि विज्ञान कौन से नोट कला बेले तुम्हें सब बेले मन रख कि महाकर्षण बल विषय जो पढ़िली क्यों क्यों विषय ताको मन रखा हे बा मोर दैनंदिन क्षेत्र में मुझे किपर यह यूज करें से ही कथा सब चिंता कर सूर्य चारिपटे ग्रह एवं पृथ्वी चारिपटे चंद्र अहरह परिक्रमण करुच्छी
ग्रह चारिपटे उपग्रह गुड़िक परिक्रमण करम सूर्य चारिपटे ग्रह मान जो महाकाश वस्तु गुड़िक परिक्रमण कर दिस् फाइव फिगर्स आर मोर इम्पोर्टाट फर महाकर्षण बल मान वायुमंडल जो ये सब वैज्ञानिक कारण पड़ी थाए कहीं वायुमंडल आम पृथ्वी चारिपर्शे परिक्रमण कर चित्र गुड़िकमें देखीदे तार जापर एठार जान आम अच्छी छुआ मैंने जो बुलूंज यार पृथ्वीर महाकर्षण बल जो पृथ्वी आड़ को आकर्षित होती है मुन मुंड चारिपटे पृथ्वी चारिपटे एक निर्दिष्ट कक्ष में परिक्रमण करमण करवा जो आम बेले बेले आम देखी चंद्रग्रहण है सूर्यपराग है ये दायी होता है तारपर आम पृथ्वी पृष्ठ अवस्थान करूँ नदी जल प्रवाहित होवे साय नेक्स्ट आम देखा कि सर्वजन महाकर्षण नियमती कौन रियली एक विषय आम सर्वजन महाकर्षण नियम विषय तो आम जाणीगला तेल सर्वजन महाकर्षण नियमटा क्या से विषय बर्तमान आम टे आलोचना करवा देख आम विश्वर प्रत्येक वस्तु जी वस्तु अच्छी मैंने जहाँ वस्तु अच्छी मोर मुंडर केश मध्य गोटे वस्तु को आकर्षण कर वस्तु द्वारा मोर केश मध्य आकर्षित होपरिक कैमेराटा डट को आकर्षण करट मध्य कैमेरा को आकर्षण कर पेनटा जो अच्छी स्मार्ट पेनटा अच्छी से आकर्षित करे तो प्रत्येक वस्तु सहित निविड़ भाव संपर्कित होता है ईश्वर प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को निज आड़ को आकर्षण कै जदि न करता तेल आम जीवजगत बची रही पारंता नहीं बाम विश्वर जो घटना गुड़िक सब घटू से घटना गुड़िकी रही पारंता ना कि आकर्षण बलर परिमाण यही आकर्षण बलर परिमाणटा जो बल क्रिया कर गोटे वस्तु अन्य वस्तु को आकर्षण कला से ही आकर्षण बलर परिमाण केते हेबो ता वस्तुर वस्तुत्व द्वयर गुणफल सहित समानुपाति वस्तुर वस्तुत्व द्वयर गुणफल सहित समानुपाति वस्तुत्व ये वस्तुत्व द्वयर गुणफल सहित समानुपाति वस्तुत्वर केन्द्र मध्य केन्द्र मध्य वर्ग सहित प्रतिलोमानुपाति केन्द्र मध्य वर्ग सहित प्रतिलोमानुपाति मान ये देखा कि जो विश्व जो वस्तु गुड़ाक अच्छी से वस्तु गुड़ाक जो आकर्षण बल क्रिया करुच्ची आकर्षण बलटा दुईट फैक्टर पर दायी होता है एक नंबर फैक्टर है वस्तु दुईट मध्य कार्य कर वस्तु द्वार वस्तुत्व गुणफल समानुपाति गुणफल वस्तुत्व जो गोटे वस्तुर वस्तुत्व मन पांच के जी आ गोटे वस्तुर वस्तुत्व है दस के जी से गुणफल दस इंटू फाइव इज इक्वल टू जपर फिफ्टी किलोग्राम है फिफ्टी किलोग्राम स्पेस तारपर आसा से केन्द्र मध्य दूरतार वर्ग सहित समानुपाति केन्द्र मध्य दूरता केन्द्र मध्य दूरता भेरी इम्पोर्टाट पॉइंट कारण गोटे वस्तु को यह एम ओन वस्तु यह एम टू वस्तु ए वस्तुटा एपरी भाव में कार्य कर सीधा सड़क सेंटर पॉइंट टू सेंटर पॉइंट आकर्षण बल क्रिया करते सेंटर पॉइंट टू सेंटर पॉइंट आकर्षण बल करी आम आलोचना करवा आम देखा कि एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय जी एम ओन इंटु एम टू बाय आर स्क्वेयर जी एम ओन इंटु एम टू बाय आर स्क्वेयर एठार देखा जी एफ इज इक्वल टू जी इंटु एम ओन इंटु एम टू बाय आर स्क्वेयर किपर है गाणितिक सूत्र प्रतिपादन करवा देख अन्य भाषा रे आम जब देखा टी महाकर्षण बलटा महाकर्षण बल जो आकर्षण बल अच्छी से तार कैरेक्टर विषय आम टे बर्तमान देख गुरुत्व आकर्षण हिंदी में कह जाए गुरुत्व आकर्षण महाकर्षण बल को इंग्लीश इंग्राजी में कह जाए ग्राविटेशनल फोर्स अन्य प्रकार बल ठार बहुत दुर्बल ए बलर परिमाण बहुत दुर्बल अटे 6.67 इंटू 10 टू दि पावर माइनस 11 न्यूटन 10 टू दि पावर माइनस 11 न्यूटन होते बहुत कम एवं यह एक आकर्षण बल जपरिक चुंबक बल वैद्युतिक बल पर यह गोटे आकर्षण बल कि चुंबक बल एवं वैद्युतिक बल गुड़िक सममेरु परस्पर को आकर्षण विकर्षण कर विषम मेरु परस्पर को आकर्षण करषम मेरु मान यू एन पोल एवं साउथ पोल परस्पर को आकर्षण करती किंतु एस एस हो परस्पर को विकर्षण करेंगे वैद्युतिक बल प्लस चार्ज एवं माइनस चार्ज प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज एवं माइनस चार्ज हेल्ले परस्पर को आकर्षित करती
କିନ୍ତୁ ସମଚାର୍ଜ ହେଲେ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମହାକର୍ଷଣ ବଳଟା ସେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ। ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବଳକୁ କୁହାଯାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫୋର୍ସ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ବଳ। ପାରସ୍ପରିକ ବଳର ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବଳ କ୍ରିୟା କରିଥାଏ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ଏହାକୁ ପାରସ୍ପରିକ ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ 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 ବଳ କୁହାଯାଇଥାଏ ପାରସ୍ପରିକ ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବସ୍ତୁର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଥାର୍ଡ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଫୋର୍ସ ୱାନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ସ ଟୁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ନମ୍ବର ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଳର କ୍ରିୟା ପାଇଲା ଏବଂ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବସ୍ତୁର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବସ୍ତୁର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟକୁ ମହିଳା କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ହେଲା ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ହେଲା ଏ ବସ୍ତୁର ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା କି ଏ ବସ୍ତୁର ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା କି ଏ ବସ୍ତୁର ସେଣ୍ଟର ଟୁ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏପରି ଭାବରେ କିମ୍ବା ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ। ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏକ ନମ୍ବର ହେଲା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ବଳ କାରଣ 6.67 ଇଣ୍ଟୁ 10^-11 ନ୍ୟୁଟନ ଯାହାକି -11 କହିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। F12 ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -F21 ଏପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ହେଲା ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବହୁତ ମାନେ ଇନଫିନିଟି ଦୂରତାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଯେପରିକି ଦେଖିବା କି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ପୃଥିବୀ ହେଲା ଏଇଟାକି ଲେଟ୍ସ ଏଇଟା ଆର୍ଥ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୁନ୍ ହେଲେ ମୁନ୍ ଏଇଟା ତ ବଡ଼ କରିବା ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ଆର୍ଥ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ମୁନ୍ ତାହେଲେ ମୁନ୍ ଆର୍ଥ ମୁନ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୁନ୍ ଆର୍ଥକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ହେଲେ କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମଣ କରୁନାହିଁ ତାର କାରଣଟା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଏଫ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବୁଝିଲା ଏଫ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ହୋଇଥାଏ ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା ଏଫ୍ ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ଏଫ୍ ବାଏ ଏମ୍ ଫୋର୍ସ ବାଏ ମାସ୍ ହେଲେ ମାସ୍ଟା ଫୋର୍ସଟା ତ ଅତି ନିମ୍ନ ନା -11 ନ୍ୟୁଟନ ଆଉ ମାସ୍ଟା ଚନ୍ଦ୍ରର ମାସ୍ ପୃଥିବୀର ମାସ୍ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ତେଣୁ ତାହା ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯେପରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବହିର ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ବହିର କଥାଟା ହେଲା ଆମର ସେଓ ପୃଥିବୀର ସେଓଟି ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହେଲା ଏବଂ ତାର ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସେଓକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଓ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ତାର ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଗଲା ନାହିଁ ତାର କାରଣଟା ହେଲା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହାର ବଳଟା ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ ଯାହାକି ତାକୁ ଚାରିପଟେ ତାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ଏକ୍ସିଲେରେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା ସେହି ଏକ୍ସିଲେରେସନ୍ର ମାନ ଅତି ନିମ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ତାର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଠାରୁ ଢେର ବେଶୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେହି ତରଣର ପରିମାଣ ଅତି ନିମ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପଟେ ନ ଘୁରିକି ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ବଳ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚୁମ୍ବକ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକ ହେଲା ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ହେଲା ଏଇଟା ମନେକର ଏ ଚୁମ୍ବକ ଦୁଇଟି କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯଦି ମନେକର ଏଇଟାକି ଏସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଏନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଏନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଏସ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ବଳରେ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ କିଛି ବ୍ୟବଧାନରେ ଥିଲେ ଚୁମ୍ବକର ଗୋଟେ ସମର୍ଥ ରହିଥାଏ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ତାର ଫ୍ଲକ୍ସ ରହିଥାଏ ସେହି ଦୂରତାରୁ ଯଦି କମ୍ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ତାର ଚାରିପଟେ ସେ କିଛି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମହାକର୍ଷଣ ବଳଟା ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
তারপরে না মহাকর্ষণ বল কোনসি মাধ্যমটা কোন মহাকর্ষণ বল কোনসি মাধ্যম উপরে নির্ভর করে নাই মাধ্যম কইলে বল কইলে মাধ্যম উপরে নির্ভর করে নাই তার অর্থ কোন মাধ্যম কইলে জল মাধ্যমরে কিমা আসু তরল মাধ্যমরে আসু কিমা গ্যাসীয় মাধ্যমরে আসু যে কোনসি মাধ্যমরে মহাকর্ষণ বলর পরিমাণ সবুঠারে সমান কিছু তার কম বেশি হইন থাকে যে কোনসি দুইটি জড়ীয় বস্তু মধ্যে এই আকর্ষণ বল গুড়ি মহাকর্ষণ বল কুহযাইছে মহাকাশীয় বস্তু মহাকাশের যে বস্তু গুড়ি অবস্থান করতে সেই সেই বস্তু মানুষ মহাকাশীয় বস্তু বা জড়ীয় বস্তু কুহযাই সেই জড়ীয় বস্তু গুড়ি মধ্যে আকর্ষণ করছে মহাকর্ষণ বল তা আকর্ষণ বল যে পরস্পর সহিত আট্রাকশন করতে সেই বলকু মহাকর্ষণ বল কুহযাইছে কিন্তু পৃথিবীর মহাকর্ষণ বলকু মাধ্যাকর্ষণ বল কুহযাইছে এবং ফোর্স অফ গ্রাভিটি কুহা যায় মাধ্যাকর্ষণ বলকু ইংলিশে ফোর্স অফ গ্রাভিটি কুহযাই এবং ফোর্স অফ গ্রাভিটির পরিমাণ অলগা এবং আমার দেখিবা কি যে আমার এটার এটা বলর মধ্য পরিমাণ অলগা হয়েছে তারপরে আমি দেখিবা নেক্সট টিকে আমি মহাকর্ষণ নিয়মর দেখিবা লেটস গোটে বস্তু হল এটা আর গোটে বস্তু হল এটা এ বস্তুর নাম হল মনে কর এ বস্তুর নাম হল মনে কর বি এ বস্তুরে থাকা বস্তুত্ব হল মনে কর এম ওয়ান ধরি দেবা আমি এটার বস্তুত্ব কু ধরি দেবা এম টু নিউটন কর আমার যে মহা সর্বজনীন মহাকর্ষণ নিয়ম ছিল সেই নিয়ম কু দুই ভাগে বিভক্ত করে দেবা সে প্রথমে কইছিলে কি যে যে আকর্ষণ বল ক্রিয়া করেছে সেই আকর্ষণ বলটা মানে এ বল এ বস্তু মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা এবং এ বস্তু মধ্যে যে আকর্ষণ বলটা মনে কর এ ফোর্স এ টু বি এটা লেখা যাব এ টু বি আর ফোর্স বি টু এ যে আকর্ষণ বল ক্রিয়া করেছে সেই আকর্ষণ বলর পরিমাণ বস্তুর বস্তুত্ব দ্বারা গুণফল সঙ্গে সমান মানে ফোর্স ই ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এম ওয়ান ইন্টু এম টু এবং সেকেন্ডে আমি দেখি ফোর্স ইজ ইনভল এটার মধ্যে কেন্দ্র মনে কর এ বস্তুর কেন্দ্র হল এটা বি বস্তুর কেন্দ্র হল এটা এই বস্তু দ্বয় মধ্যে থাকা কেন্দ্র দ্বয় মধ্যে থাকা দূরতা ইজ ইকুয়াল টু মনে কর হল ডি বস্তুর কেন্দ্র দ্বয় মধ্যে থাকা দূরতা হল মনে কর ডি তাহলে ডি মানে ফোর্স ইজ নেক্সট আমি ইকুয়েশন দেখিবা কি যে দ্বিতীয় নিয়মর দ্বিতীয় ভাগরে কৌতলে কি যে বস্তুর কেন্দ্র দ্বয় মধ্যে থাকা দূরতা র বর্গর সহিত প্রতিলোমানুপাতি দূরতার বর্গর সহিত প্রতিলোমানুপাতি মানে এফ ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার মানে হোয়ার ডি ইজ ইকুয়াল টু দি ডিস্টেন্স বিটুইন টু বডিজ টু দি ফ্রম দি সেন্টর গোটে সেন্টর ঠার অন্য দুইটি বস্তুর সেন্টর মধ্যে থাকা মধ্যে থাকা দূরতাকু ডি সংকেতরে সূচিত করা যায় ডিস্টেন্স সংকেতরে সূচিত করা যায় অতএব ইকুয়েশন ওয়ান ও টু অনুসারে ইকুয়েশন ওয়ান ও টু অনুসারে কেতে হব ইকুয়েশন ওয়ান ও টু অনুসারে এফ ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এম ওয়ান ইন্টু এম টু বাই ডি স্কোয়ার এম ওয়ান ইন্টু এম টু বাই ডি স্কোয়ার ওয়ার ডি ইজ ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স বিটুইন টু বডি সবুলে লিখিব কি যে চিত্র করিব এবং তারপরে চিত্রের নামকরণ করিব এবং দুইটা বস্তুর নামকরণ করে সারা পরে এ বস্তুর থাকা বস্তুত্বকু এম এম ওয়ান সংকেতরে সূচিত করা যাও বি বস্তুরে থাকা বস্তুত্বকু এম টু সংকেতরে সূচিত করা যাও বলিকি এ লাইন গুড়াক লিখিব তারপরে নিয়ম গুড়াক ডিরাইভ করিব এফ ইজ নিয়মর প্রথম প্রথম পর্যায়ে এফ ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এম ওয়ান ইন্টু এম টু এবং এফ ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার হোয়ার ডি ইজ ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স বিটুইন টু বডি ফ্রম দি সেন্টর এবং দুইটা ইকুয়েশন কু অতএব ইকুয়েশন ওয়ান ও টু রু ইকুয়েশন ওয়ান ও ইকুয়েশন টু রু আমি কোন জানিপারিলে এফ ইজ ইনভার্স ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এম ওয়ান ইন্টু এম টু বাই ডি স্কোয়ার এফ ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এম ওয়ান ইন্টু এম টু বাই ডি স্কোয়ার দিস ইমপ্লাইজ আমি লিখিবা এফ ইজ ইকুয়াল টু জি এম ওয়ান ইন্টু এম টু বাই ডি স্কোয়ার যেউঠারে ডি কু জি কু মহাকর্ষণ জনিত স্থিরাঙ্ক কুহা যাই এই জি কু কোন কুহাই থাকে মহাকর্ষণ জনিত স্থিরাঙ্ক কুহা যাই এবং এই জি র পরিমাণ কেতে অটে ইয়াকু কি আবিষ্কার করেছিলেন কেভেন্ডিস হেনরি কেভেন্ডিস বলিকি জনে বৈজ্ঞানিক তাকু আবিষ্কার অনুপাতিক স্থিরাঙ্ক কু প্রদান করেছিলেন মনে কর দুইটা বস্তু হল এ ও বি যেপরিকি তুমি নোট করিবা কথা সেইপরি এই ভাবরে নোট করিব মনে কর দুইটি বস্তু এ ও বি বস্তুত্ব যথাক্রমে এম ওয়ান ও এম টু উভয় বস্তু এ ও বি
केन्द्रद्वय मध्य दूरता इज इक्वल टू डी एवं वस्तुर द्वय मध्य कार्य कर बलर परिमाण इज इक्वल टू एफ हो एपरी भाव लिख दुईटा चित्र पूरा नीट एंड क्लीन कर यह चित्र तुम्हें देखिपुर पाने चित्र रेड कलर अच्छी ब्लू कलर अच्छी ब्लू बल्टा बी बल को जो बल प्रदान ताकु ब्लू संकेत सूचित करा जाई एवं रेड बल्टा यू जो बल क्रिया करेड संकेत सूचित करपर महाकर्षण नियम अनुजाई भाव लिखा एवं परीक्षा लिखले आमको भल मार्केट मिल एफ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वन इंटु एम टू इक्वेशन वन नियम महाकर्षण नियम प्रथम अध्याय अनुसार एवं एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय डी स्क्वायर अतएव इक्वेशन वन और इक्वेशन टू अनुसार एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटु एम टू बाय डी स्क्वायर किंवा एफ इज इक्वल टू किंवा अथ दि सिंप्ले चिन्ह दे किसी हम ना एफ इज इक्वल टू जी इंटु एम वन इंटु एम टू बाय एठारे जी को जो जीरो कथा कह जाऊला से जीरोटा है जी को वैज्ञानिक केवेन्टिस स्थिरांक कहते सर्वजन महाकर्षण स्थिरांक कह जाए यह सर्वजन महाकर्षण स्थिरांक करने दुईटा एक्सपेरिमेंट से करते एक्सपेरिमेंट मध्यम यहाँ को प्रतिपादन करते से दुईटा चित्रटा आम बही ना जहाँकि नेट्रु संग्रह कर पाने जो कथाटा कहुई प्रथम न्यूटन जिते बे प्लेग रोग होता मुंड गोटे एपलटे पड़ा जार फल कि बड़ नियमटा को लिखी प्रकृत ये कथा गुड़िकते दूर सत्य से न्यूटन हिंपारे बहुत वैज्ञानिक मान अवदान जार फल कि नियमटा को प्रतिपादन लास्ट कि सारा आजाक न्यूटन द्वारा प्रतिपात होता है नाम नामित होता जहाँकि यूनिभर्साल ल अफ ग्राविटेसन कह जाए यही ग्राविटेसन नियम जो जीव को देते सीटा आउ जे वैज्ञानिक देते से वैज्ञानिकों नाम है केवेन्टिस जोटा कि आम ओडिया मीडियम बही ना से मन रखा तुम्हें चेषा कर वैज्ञानिक केवेन्टिस सर्वजन महाकर्षण नियम को तार आम देखा एकक निर्णय आम जान ला कि एफ इज इक्वल टू जी इंटु वेर जी इज इक्वल टू कौन कि एम वन इंटु एम टू बाय डी स्क्वायर जी इज इक्वल टू जी इंटु एम वन इंटु एम टू बाय डी स्क्वायर एम कहले मास ऑफ ए वस्तु एम वन एवं एम टू कहले मास ऑफ बी वस्तुर दि सिंप्लेज आम जीरो वैल्यूटा को निर्णय कर एककटा को दि सिंप्लेज जी इंटु एम वन इंटु एम टू बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू के एफ दि सिंप्लेज के जी इज इक्वल टू एफ इंटु डी स्क्वायर बाय एम वन इंटु एम टू तार एकक निर्णय करवा अच्छी एफ रो एकक केते कि न्यूटन फोर्स रो एकक न्यूटन डी स्क्वायर एकक मीटर स्क्वायर मीटर इंटु मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर मीटर इंटु मीटर इज इक्वल टू केते हबो मीटर स्क्वायर आ तार पर एम1 रो वस्तु रो एकक हला केते केजी इंटु केजी केजी इंटु केते हला केजी दिस इंप्लाइज जी इज इक्वल टू केते हला दिस इंप्लाइज जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन इंटु मीटर पर केजी मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जीरो मूल्यटा है तार एककटा के न्यूटन इंटु एम स्क्वायर इंटु केजी स्क्वायर मीटर व्वेर एम इज इक्वल टू मीटर जेहेतु दूरता को तार सर्वजन महाकर्षण नियम स्थिरांक ए विषय टी देखा सर्वजन महाकर्षण स्थिरांकटा है जी इज इक्वल टू 6.67 इंटु 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटु किलोग्राम स्क्वायर जीरो मूल्य वस्तुर प्रकृति गठन एवं से मानकर वस्तुत्व बा अवस्थान उपर निर्भर करे ना एगुड़ाक किसी उपर निर्भर करे ना सबुत्र जीरो मूल्य सर्वत्र समान तार महाकर्षण स्थिरांक जी ओ महाकर्षण स्थिरांक महाकर्षण जनित त्वरण जी स्मॉल जी एवं बड़ जी मध्य सबुठारे समान संपूर्ण अलग एगुड़ाक 6.67 इंटु 10^-11 न्यूटन इज इक्वल टू आम परीक्षा आम जिते बिल एक्जामपल गुड़ा कर 6.7 इंटु 10^-11 न्यूटन लिखीदे कि प्रोब्लेम होना यू प्राय लिखा जाए तार नेक्स्ट को देखा आम दुईट वस्तुर ए ओ बी
वस्तुदेह मध्य ए किग्रा एवं सेमानकर केन्द्रदेह मध्य दूरता है डी इज इक्वल टू वस्तुर मन कर एम वन इज इक्वल टू एठार लिखिदेव एठार एम वन इज इक्वल टू ए किग्रा एवं एम टू इज इक्वल टू के किग्रा एवं सेमानक मध्य दूरता इज इक्वल टू के वन मीटर अतए दुईटा वस्तु मध्य क्रिया करुवा महाकर्षण बल परिमाण के निर्णय करा कह कहला एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटु एम टू बाय डी स्क्वायर ए फॉर्मूला को यूज कर देव जी रूल्य निरूपण कर देव 6.67 इंटु 10 टू दि पावर माइनस 11 न्यूटन इंटु 1 केजी इंटु 1 केजी इंटु 1 केजी इंटु 1 केजी बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ए सब गुड़ाक तार पर केमती है 6.67 इंटु 10 टू दि पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर 1 इंटु 1 इज इक्वल सेम 1 ना से तार आंसर है 6.67 इंटु 10 टू दि माइनस 11 इंटु न्यूटन इंटु मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर तार पर आसला आउ गोटे उदाहरण अच्छी उदाहरण टू टा है पृथ्वी और चंद्र मध्य वस्तुत्व यथाक्रमे 6.3 मास ऑफ आर्थ लिखी दो एम ई मास ऑफ आर्थ इज इक्वल टू के 6 × 10⁻²⁴ एवं मास ऑफ मून इज इक्वल टू के 7.4 × 10⁻²⁰ किग्रा इटा के जी है इटा पर के जी है केत विशाल पृथ्वी आम देख 24 अच्छे तार पर एवं सेमानक मध्य दूरता डी इज इक्वल टू पृथ्वी ठार चंद्र मध्य दूरता इज इक्वल टू 3.84 × 10⁻⁵ किलोमीटर सब बोले किलोमीटर अच्छी ये तुम्हें यहाँ केमी कर 3.84 × 10⁻⁵ जगह तीन टा शून अधिक लगे मीटर किलोमीटर को मीटर प्रकाश कला बेले आम आन टा शून देदे होन टा शून अर्थ तार पावर को बढ़ेदे 8 लिखीद 8 मीटर तार पर आम नियम को प्रयोग करवा ए नियम को प्रयोग कला बेले के एफ इज इक्वल टू जी एम ओन एम ई इंटु एम मून मास अफ मून इंटु मास अफ आर्थ बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू के जी इंटु के कि 6.8 बसई दे 6.10⁻²⁴ इंटु 7.10⁻²⁰ बाय 3.84 × 10⁸ र स्क्वायर इंटु एठारे थिला जीटा के 6.67 × 10⁻¹ⁱ एवं बर्तमान ये मैथ कला बेले तार एकक को लिखो ना 6.67 × 10⁻¹ⁱ लास्ट तुम एकक लिख इंटु 6 × 10⁻²⁴ × 7.4 × 10⁻²⁰ बाय 3.84 × 3.84 × 10⁻¹⁶ के 16 आउ ए सब मैथ कला बेले 10 रो पावर गुड़ाक सब बोले ऊपर को नहीं जीव आ कर केमती कर देख 6.67 × 6 × 7.4 × 10⁻¹⁶ +24 − +22 − 16 के बाय 3.84 × 3.84 इज इक्वल टू प्राय नियरली इक्वल टू हे 2.01 × 10⁻¹⁹ 24 + 22 = 46 − 27 इज इक्वल टू 19 इटा 20 हम मैंने यठार इंटु कला बेले गोटे पॉइंट आसी जाइए तेणु यू 20 हिसाब से तार आंसर टा हो जाए यू प्रोब्लेम कला बेले सब तुम लिख कौन तुमको दिखाई गिभेन कौन अच्छी गिभेन अच्छी तार पर सूत्र को प्रयोग कर दे तुम्हें मैंने आगे चली जाव सूत्रटा रेट हो पाने देखा तुम्हें मुझे प्रश्न तैयार कर प्रश्नटा है ग्राविटेशनल संबंधी तुम्हें उत्तर देव
ଏବଂ ସେହି ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ ଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା, କେଉଁ ବଳ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛ, କେଉଁ ବଳ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ମହାକର୍ଷଣ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ହେବ। ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସେଇ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମହାକର୍ଷଣ ସ୍ଥିରାଙ୍କକୁ ବେଶ ସଂକେତରେ ସୂଚିତ କରାଯାଏ, କେଉଁ ସଂକେତରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ? ମହାକର୍ଷଣ ସ୍ଥିରାଙ୍କ କୁ ଡ୍ୟାଶ ସଂକେତରେ ସୂଚିତ କରାଯାଏ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଜି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଜି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଜି, ଭେରି ଗୁଡ୍, କ୍ୟାପିଟାଲ ଜି ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ, ମହାକର୍ଷଣ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, ମହାକର୍ଷଣ ସ୍ଥିରାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି? ଏଇଟା ଟିକେ ଆମର ଗଲତ ହେଇଛି, -11 ହେବ। 6.67 ଇଣ୍ଟୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଉତ୍ତରଟା, 6.67 ଇଣ୍ଟୁ ଅପସନ୍ ଖ, ଅପସନ୍ ଖ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଅପସନ୍ ଖ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ପୋଲର ଏକକ କ'ଣ? ପୋଲର ଏକକ ବିଏସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ, ପୋଲର ଏକକ, ପୋଲର ଏକକ ହେବ ନ୍ୟୁଟନ। ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା, ଆମର ତିନିଟା ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ। ନ୍ୟୁଟନ ହେବ ତାର ଉତ୍ତରଟା, ବଡ଼ର ଏକକ ହେଲା ନ୍ୟୁଟନ। ତାପରେ ଆସିଲା, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଅଛି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡ୍ୟାସ ବଳ ଯୋଗୁଁ। ମହାକର୍ଷଣ ବଳ, ମହାକର୍ଷଣ, ମହାକର୍ଷଣ ବଳ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ମହାକର୍ଷଣ ବଳ କ'ଣ, ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଅଛି। ଆମକୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ପାଞ୍ଚ କ୍ରମରେ ଥିବା ମହାଶକ୍ତି ଅଟେ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, ଏହି ଉତ୍ତର ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ପାଞ୍ଚ କ୍ରମରେ ଥିବା ମହାଶକ୍ତି ଅଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତରଟା କହିଗଲି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଡ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପୃଥକତା, ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବେଶୀ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟୁ ହେବ ନା M1 ଇଣ୍ଟୁ M2, ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଗୁଣଫଳ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟା, ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ହେବ କି ତାହା ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମେ ଘରେ ଯାଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଦେଖିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୁକ୍ର ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଏଇଟା। ପୃଥିବୀ ଓ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ 6×10^24 × 6×6.4×10^6 meter ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା ତାକୁ କଲନା କରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମକୁ, ସେହି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ସର୍ବଜନୀନ ମହାକର୍ଷଣ ନିୟମର ଗଣିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ଏବଂ ତୁମର ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତୁମେ ତୁମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିନେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିୟମଟା ଥିଲା, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବୋଲିକି ମୋର ଆଶା ତଥା ବିଶ୍ୱାସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।